हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हैरी अपने क्रू के साथ एक आतंकवादी को पकड़े हुए हैं, जिससे वो पूछताछ कर रहे हैं। वो आतंकवादी उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन वो अपने बॉम्ब के पिन को घसीट देता है, जिसके बाद हैरी के क्रू का एक आदमी उस आतंकवादी के ऊपर कूद जाता है और अपने आप को शहीद कर देता है बाकियों को बचाने के लिए। हैरी कहते हैं कि अब मुझे इसकी फैमिली के पास जाना चाहिए। हैरी उसकी फैमिली के पास जाते हैं, उसकी वाइफ से बताते हैं कि आपके हस्बैंड नहीं रहे और हमें इस बात का खेद है कि हम आपको ये भी नहीं बता सकते कि वो आखिर क्या काम करते थे। वो एक बैच उसको देते हैं और उससे कहते हैं कि इसके पीछे जो नंबर लिखा है आप इसको डायल कर दीजिएगा और आप कहिएगा शानो शौकत, आप कोई भी मुसीबत में होंगे हम आपको बचाने आ जाएंगे। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे बस मेरा हस्बैंड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वो उसके छोटे से बच्चे एग्जी को वो मेडल देते हैं। वो वही बातें एग्जी को बता देते हैं। इस घटना को 17 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे लंदन में प्रोफेसर का किडनैप हो गया होता है। उस प्रोफेसर से कुछ गुंडे को सवाल पूछते हैं और वो कहते हैं कि हमें बस आपसे बात करनी है। प्रोफेसर कहता है अगर तुम्हें बात करनी है तो किडनैप कौन करता है। तभी वहाँ पे एक किंग्समैन आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं उन सारे गुंडों के ऊपर। वो एक एक करके उन सब गुंडों को हरा देते हैं। तभी वहाँ पे आ जाती है गजेल। गजेल बीच से फाड़ देती है उस किंग्समैन को और वो उन सारी लाशों के ऊपर चादर डाल देती है, गेट खोलती है। गेट के बाहर से निकलते हैं रिच मैन वैलेंटाइन। वो एक बिलियनर होता है जो कि बात करता है प्रोफेसर से और उससे कहता है कि आपका दुनिया को बचाने का तरीका मुझे अच्छा लगा, पर मैंने भी एक तरीका बनाया है, तो आपको मेरी मदद करनी होगी और आपको मुझसे दोस्ती करनी होगी। वैलेंटाइन के पास एक ऐसा ड्रग होता है जिसकी मदद से वो लोगों को कन्विंस कर लेता था और वो प्रोफेसर को कन्विंस कर लेता है। वहीं दूसरी ओर किंग्समैन के हेडक्वार्टर में बहुत ही शोक मच रहा होता है, क्योंकि उनका एक ज़रूरी अफसर अब उनके बीच में नहीं रहता है। जहाँ पर आ जाता है मर्लिन और वो फाइल को शो करता है और बताता है कि वहाँ पे गए थे वो जिस मिशन में, उस मिशन को तो वो कामयाब नहीं कर पाया और उनकी मौत हो गई, लेकिन जो प्रोफेसर किडनैप हुए थे जिनको बचाने वो गए थे, वो प्रोफेसर बिल्कुल खुले घूम रहे हैं इस समय, जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर एग्जी की माँ ने अब दूसरी शादी कर ली है। एग्जी अब बड़ा हो चुका है और उसका जो बाप है वो बहुत ही बदतमीजी से बात करता है एग्जी से, और एग्जी वहाँ से गुस्सा करके चला जाता है। वो जाकर के कैफे में बैठता है जहाँ पे उसके दूसरे बाप का भाई भी बैठा रहता है। वो उनसे बदतमीजी से बात करता है, जिसके बाद एग्जी उसकी चाबी को गायब कर देता है। वो उसकी कार को लेके वहाँ से निकल जाता है और वो आदमी बोलता है कि मेरी गाड़ी को वापस कर दो, लेकिन एग्जी उस गाड़ी को इतने ख़राब तरीके से चलाता है कि उसको पुलिस पकड़ ले जाती है। एग्जी गिरफ्तार हो जाता है और उसको लगता है कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा। तभी उसको याद आता है कि मेरे पास एक मेडल है। वो उस मेडल के नंबर को डायल करता है और अपना कोड बताता है, जिसके बाद उसको रिहाई मिल जाती है। वहाँ पे उसको लेने आते हैं हैरी। हैरी उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, जिसके बाद वो हैरी के साथ जाता है एक कैफ़े में। वहाँ पे वो लोग कॉफ़ी और बियर पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है वो लड़का जो कि गाड़ी का मालिक होता है। वो आकर के वहाँ बोलता है कि तुम बढ़ाओ यहाँ से निकल जाओ और मैं इस लड़के को मारूंगा। तभी वो जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। हैरी उन लड़कों की बहुत बढ़िया तरीके से धुलाई करते हैं, जिसको कि देख करके उनका फ़ैन हो जाता है एग्जी। वो एग्जी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दूं। एग्जी कहता है मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, जिसके बाद वो एग्जी की पीठ पे एक डिवाइस लगा देते हैं जिसके बारे में एग्जी को भी नहीं पता होता है। एग्जी अपने घर में पहुंचता है जहाँ पे उसका दूसरा बाप उसे कहता है कि कौन था वो तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। एग्जी नहीं बताता है और वो एग्जी को थप्पड़ ही थप्पड़ मारता रहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हैरी ये सब सुन रहा होता है और वो अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके कहता है कि जो भी है इस आदमी को छोड़ दे, अगर तुमने एग्जी को फिर से मारा तो तुमने क्या क्या अपराध किए हैं मैं उन सबको वायरल कर दूंगा और जेल से कभी निकल नहीं पाओगे। तभी एग्जी का दूसरा बाप पीछे हट जाता है। एग्जी गेट खोल के बाहर निकलता है, वहाँ पे उसके बाप का भाई खड़ा रहता है, वो गुंडों के साथ रहता है। एग्जी वहाँ से भाग जाता है और वो पहुँच जाता है दोबारा हैरी के पास। एग्जी से हैरी पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सी जगह है, जिस जवाब में एग्जी बताता है कि एक टेलर शॉप है। हैरी उसको बताते हैं हाँ ये एक टेलर शॉप है, पर असल में किंग्समैन एक संस्था है जो लोगों की सेवा करती है। हम किसी भी सरकार के अंडर में नहीं चलते हैं। असल में एक समय पर जब सारे अमीरों ने अपनी संस्था और संपत्ति दान करने की बात की थी, तो उनमें से कुछ लोगों ने इस बात को डिसाइड किया कि वो किंग्समैन को चलाएंगे। किंग्समैन किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं चलती है ताकि वो पॉलिटिक्स में ना फंस सके। हम पूरी तरीके से फ्री हैं और हम लोगों की मदद करते हैं। तभी वो बताते हैं कि तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुमने तो आर्मी की ट्रेनिंग भी ली है और तुम पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। जिस जवाब में एग्जी बताता है हाँ मैं ऐसा था, लेकिन मेरे दूसरे फादर की वजह से अब मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस जवाब में हैरी उससे बोलते हैं कि अभी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद एग्जी कहता है वैसे भी अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। एग्जी को हैरी लेकर के पहुँचते हैं किंग्समैन के हेडक्वार्टर में, जहाँ खूब सारे प्लेन्स और गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिनको देख के एग्जी का मुँह खुला रहता है। हैरी उसको कहते हैं कि तुम्हारे फादर का मुँह भी ऐसे ही खुला हुआ था और जब मैं भी पहली बार आया था तब मेरा भी मुँह ऐसे ही खुला हुआ था। वो उसको लेके जाते हैं और ज्वाइन कराते हैं नए लोगों में, जिनमें से एक को किंग्समैन बनना होता है अगला।
और ऐसा ही होता है, वो रात में सो रहे होते हैं तब भी वहाँ पे पानी भर जाता है, पूरा कमरा पानी में डूब जाता है। तभी जो वहाँ पे बाकी के लोग होते हैं वो दिमाग लगाते हैं और वो भाग के चले जाते हैं बेसिन के पास। वहाँ पे वो पाइप डालते हैं और उनको पता चल जाता है कि बेसिन दूसरी तरफ से खाली है, जिसके बाद वो वहाँ से ऑक्सीजन लेने लगते हैं। एक्सी दूसरी तरफ फंसा रहता है, वो भाग के जाता है और वो ढूंढ लेता है कि शीशा असल में दोहरे मुँह का है, वो दूसरी तरफ से भी किसी कमरे से ज्वाइंट है, जिसके बाद वो शीशे में घुसा मारता है और उसको तोड़ देता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे खड़े मरलिन उससे कहते हैं कि एक्जी तुमने अच्छा काम किया, तुमने ढूंढ निकाला कि शीशा असल में दो तरफ का है। जिसके बाद वहाँ एक्जी की तारीफ होती है और रॉक्सी की तारीफ होती है और बाकी के दो लोग की भी तारीफ होती है, लेकिन इस बीच एक औरत की वहाँ पे मौत हो गई होती है। रिचमंड वैलेंटाइन अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए एक ऐसा सिम बनाता है जो कि पब्लिक के लिए पूरी तरीके से फ्री रहता है। उससे आप कॉलिंग करें या डाटा यूज करें, सब कुछ फ्री रहता है और लिमिटेड रहता है, जिस वजह से वो सारे के सारे सिम बिक जाते हैं और रिचमंड वैलेंटाइन पब्लिक में काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर से मिलने जाता है हैरी और उससे कहता है कि आपकी वजह से मेरा एक आदमी मर गया और आप इतने चैन से घूम रहे हैं, आपको बताना ही होगा कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन प्रोफेसर उसको कुछ भी नहीं बताता है। वहीं दूसरी ओर से हम देखते हैं कि रिचमंड वैलेंटाइन सब कुछ सुन रहा होता है। वो प्रोफेसर के कान में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और उनके गले में एक लाइन बनने लगती है, जिसको देख लेता है हैरी और उसके बाद प्रोफेसर का सर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एक ड्रग निकलता है और हैरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। हैरी वहाँ से निकल जाता है, उसको कुछ लोग पकड़ने आते हैं पर हैरी बच जाता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि एक्जी को ट्रेनिंग में कुछ डॉग दिखाए गए हैं और मरलिन उनसे कहता है तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होगा और इनके साथ एक बहुत खतरनाक बॉन्ड बनाना होगा। वो एक पग को उठा लेता है इस उम्मीद से कि वो एक बुलडॉग है, लेकिन असल में वो एक पग रहता है। वो उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि हैरी की हालत बहुत बिगड़ गई है और वो वहाँ पे एडमिट हो चुके हैं। वो हैरी से मिलने जाता है, हैरी उसको कोई जवाब नहीं देते हैं, जिसके बाद मरलिन कहता है तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। रिचमंड वैलेंटाइन स्टूडेंट की होने वाली महारानी और प्रेसिडेंट को अपने पास बुलाता है। वो उसको अपना प्लान बताता है कि कैसे उसने एक सिम बनाया है जो कि अब चारों ओर बढ़ चुके हैं। उसने एक सैटेलाइट सिस्टम भी तैयार कर लिया है जो कि उसके हाथ से एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उससे एक रेडिएशन निकलेगी, जिसके बाद लोग आपस में लड़ाई करने लगेंगे और वो एक एक करके सबको मार देंगे। इस बात को सुनकर के होने वाली महारानी गुस्सा जाती है और वो कहती है एकदम वाहियात प्लान है। वो वहाँ से उठ के जाने लगती है, तभी हम देखते हैं कि गजल उसके बॉडीगार्ड्स को मार देती है और उसको किडनैप करके एक कमरे में बंद कर देती है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट इस बात को देख करके हाँ कर देते हैं और उनके कान के पीछे भी वही डिवाइस लग जाता है और वो वहाँ से वापस चले आते हैं। हैरी को होश आ जाता है, उसके बाद उससे मिलने वहाँ पे मरलिन और एक्जी आ जाते हैं। वो लोग टीवी देखते हैं जहाँ पे वैलेंटाइन की सिम लॉन्च करने वाली न्यूज़ आ रही होती है, जिसके बाद हैरी देखता है कि उसके असिस्टेंट के भी कान पे वही निशान है जो प्रोफेसर के पीछे था। वो बोलता है कि मरलिन मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ वैलेंटाइन के साथ, जिसके बाद मरलिन ऐसा ही करता है। हैरी निकल पड़ता है वैलेंटाइन से बात करने के लिए। वो लोग की मीटिंग होती है जहाँ पे हैरी उससे बड़े शाही तरीके से बात करता है और वो एक बिजनेसमैन बन के गया होता है। इस बात पे वहाँ पे वैलेंटाइन भी उससे काफ़ी पूछताछ कर रहा होता है, क्योंकि उसको भी ये शक होता है कि हैरी का ही वो आदमी था जिसने हमारे आदमियों को मारा था प्रोफेसर के टाइम पे। लेकिन हैरी उसको कोई भी क्लू नहीं देता है और वहीं दूसरी ओर वैलेंटाइन भी उसको क्लू नहीं दे रहा होता है। लेकिन बाद में वैलेंटाइन इतना ज़रूर कह देता है कि धरती पर बढ़ते कार्बन को हम कैसे रोक सकते हैं, जिसके जवाब में हैरी कहता है कि अब इसकी हद इतनी बढ़ चुकी है कि इसको रोकना लगभग असंभव है, हमें अब समय के साथ जीना चाहिए और चीज़ों को अपने तरीके से ढालना सीखना होगा। जिसके बाद हैरी वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बीच वो एक चीज़ की फ़ोटो ले लेता है। वो एक मैगजीन होती है जो कि कुछ बागी लोगों की होती है जिनके पीछे FBI पड़ी होती है, जिसके बाद उसको पता चल जाता है कि वैलेंटाइन का इरादे नेक नहीं है। वहीं दूसरे ओर हम देखते हैं कि एक्जी अपने टेस्टों में पास हुए जा रहा है और वो टॉप 6 में पहुँच चुका है, जहाँ पर अब उसको पैराशूट से कूदना है अपनी टीम के साथ। वो लोग वहाँ से कूद जाते हैं, तभी उनको बताता है मरलिन कि तुम 6 में से सिर्फ 5 के पैराशूट ठीक हैं। जिसके बाद एक्जी एक प्लान बनाता है कि वो एक सर्कल बनाएगा और सब लोग पैराशूट एक एक करके खोलेंगे, जिसका नहीं खुलेगा उसको हम लोग पकड़ लेंगे। वो ऐसा करता है और सबके पैराशूट खुल जाते हैं, लेकिन एक्जी का ही नहीं खुलता है, पर वो रॉक्सी की मदद से नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद मरलिन से वो कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिसके बाद मरलिन उससे कहता है कि मैंने बोला और तुमने अपना पैराशूट खोला भी नहीं, असल में तुम्हारा पैराशूट सही था, और वो उसका पैराशूट खोल देता है। इसके बाद वो लोग टॉप 3 में चले जाते हैं, जहाँ पे चार्ली रॉक्सी और एक्जी पहुँचते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुमको आज जाना है और एक लड़की को पटाना है, ये भी एक बहुत बड़ा मिशन होता है किंग्समैन के लिए। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है और वो निकल पड़ते हैं एक लड़की को पटाने के लिए, जहाँ पे उनके पास ड्रिंक्स आती हैं लेकिन उन ड्रिंक्स में नशा होता है। उसके बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं। एक्जी की आँख खुलती है और वो एक पटरी पर बंधा होता है, जहाँ पे उससे एक आदमी सवाल पूछता है कि जो भी तुम जानते हो किंग्समैन के बारे में मुझे सब कुछ बता दो। उसको एक्जी कुछ भी नहीं बताता है, तभी एक ट्रेन वहाँ पे आ जाती है और उनके ऊपर से निकल जाती है। एक्जी की आँख खुलती है तो वो ठीक होता है, असल में वो पटरी के नीचे चला गया होता है। वो बाहर निकलता है, वो देखता है कि कोई और नहीं हैरी होते हैं जो कि उसका टेस्ट ले रहे होते हैं।
उस टेस्ट में बस वो और रॉक्सी पास हुए होते हैं। चार्ली सब कुछ बता देता है जिसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हैरी को यकीन हो जाता है कि अब पक्का अगला किंग्समैन बनेगा एग्जी। वो उसको लेकर के जाते हैं किंग्समैन के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे टेलर की शॉप के अलावा बाकी बहुत चीज़ें होती हैं। वो उसको सारे हथियार दिखाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं, वो ब्लेड वाले जूते दिखाते हैं जिनमें जहर होता है, और ऐसे करके बाकी सारे इक्विपमेंट्स दिखाते हैं। वो एक छाता दिखाते हैं जो कि बुलेट प्रूफ रहता है। इन सबको देख करके एग्जी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो जैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं और सूट के रूम में वहाँ पे होता है वैलेंटाइन। बोलता है कि मैंने सुना है किंग्समैन के सूट अच्छे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सूट लेने आया था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिसके बाद उसको जवाब देता है हैरी कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मैं भी यहीं के सूट लेता हूँ, मुझे यहाँ के सूट अच्छे लगते हैं। इसके बाद बड़ी शाही तरीके से वहाँ से निकल जाता है वैलेंटाइन, फिर से डाउट करते हुए हैरी के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं कि टेस्ट होता है फिर से रॉक्सी और एग्जी का, जो कि फाइनल टेस्ट होता है, जिसमें आर्थर कहते हैं कि इस बंदूक को लो और अपने कुत्ते को गोली मार दो। एग्जी ऐसा नहीं करता है और उस गोली को दे देता है वापस आर्थर को, जिसके बाद आर्थर उसे कहते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। वहीं दूसरी ओर रॉक्सी ऐसा ही कर देती है और वो सिलेक्ट हो जाती है किंग्समैन बनने के लिए। एग्जी घर जाता है उस गाड़ी को लेकर के जो आर्थर की होती है, उसका बाप वहाँ पे होता है, वो उससे लड़ने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गाड़ी वापस से आ जाती है हैरी के घर में। हैरी उसको बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारे बॉस की गाड़ी चुरा ली, टेस्ट में फेल हो गए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद बोलता है मैं अपने कुत्ते को नहीं मार सकता था। तभी हैरी उसको दिखाते हैं कि उन्होंने एक मॉन्यूमेंट में अपने कुत्ते की बॉडी रखी हुई है, जिसको देख करके एग्जी गुस्साता और कहता है आपने अपने कुत्ते को मार करके उसको सजा के रखा हुआ है। जिसके बाद उससे कहते हैं हैरी कि हाँ, वो 12 साल जिया उसके बाद मरा, असल में वो एक टेस्ट था और वो बंदूक नकली थी। जिस बात को सुन करके एग्जी को काफ़ी बुरा लगता है। हैरी उससे कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था तुम्हें चेक करने के लिए, तुमने एक ऐसा मौका खो दिया है जिसको सुन करके मैं भी दुखी हूँ। वहीं वैलेंटाइन ने एक चर्च में सबको बुलाया होता है और उसमें निमंत्रण मिला होता है हैरी को भी। हैरी वहाँ पे पहुँच जाता है और हैरी के रूम में ही बैठा होता है एग्जी। वो वहाँ लैपटॉप से देख रहा होता है कि हैरी एक मिशन में गए होते हैं। उस वहाँ पे जाने के बाद हैरी को शक हो जाता है कि यहाँ पे सब लोग धर्म विरोधी बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ बवाल होने वाला है। वो वहाँ से बाहर जा रहा होता है, लेकिन बाहर बैठा वैलेंटाइन उस मशीन को ऑन करके पहला टेस्ट करता है अपने केमिकल का, जिसके बाद वो रेडिएशन वहाँ पे चारों ओर फैल जाती है और वहाँ पे खड़ा हर आदमी उग्र हो जाता है। वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिनमें से एक हैरी भी रहते हैं। वो वहाँ पे एक एक करके सबको मार देते हैं। इस बीच हैरी भी थोड़े घायल होते हैं, लेकिन वो इतनी कमाल की फाइट करते हैं कि वहाँ पे कोई बचता ही नहीं है, आखिरी सर्वाइवर हैरी ही रहता है। हैरी वहाँ से बाहर निकलता है, चर्च के बाहर निकलते ही वहाँ पे खड़ा रहता है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन को देख के हैरी कहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया, उसमें ऐसा क्या था? जिसके जवाब में वैलेंटाइन कहता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। जिसके बाद वो उसके मत्थे में गोली मार देता है और हैरी की मौत हो जाती है। इसको अपने लैपटॉप से देख रहा होता है एग्जी, जिसके बाद वो काफ़ी रोने लगता है। और वहीं दूसरी ओर किंग्समैन के हेडक्वार्टर में भी आर्थर और मर्लिन दुखी हो जाते हैं। वहीं पर रखी बियर को पीने के बाद वो श्रद्धांजलि देता है हैरी को। उसके बाद एग्जी जाता है किंग्समैन के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे आर्थर बैठे रहते हैं। आर्थर से वो बात कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि आर्थर के कान पे भी वो निशान है। आर्थर से वो कहता है कि आप भी बात में आ गए वैलेंटाइन के। जिसके बाद वो बोलता है हाँ, वो मुझसे बात करने आया था, और वो कुछ इस तरीके से बात करता है कि हम उसकी बातों में आ चुके हैं। इस बीच हम देखते हैं आर्थर एक शैंपेन ऑफर करता है एग्जी को। वो उससे कहता है कि तुम्हें एक श्रद्धांजलि के तौर पर इसे पीना चाहिए, लेकिन एग्जी उस गिलास को पलट देता है क्योंकि वो देख लेता है कि आर्थर के कान पर वो निशान बना हुआ है। इसके बाद वो लोग दोनों शैंपेन पी लेते हैं, लेकिन इसके बाद आर्थर बेहोश होने लगता है। वो कहता है तुमने शैंपेन कब बदली? जिसके बाद एग्जी उससे कहता है मैं सड़क चाप हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। और वहीं पे आर्थर की मौत हो जाती है। आर्थर के कान के पीछे से वो इस डिवाइस को निकाल करके जाता है मर्लिन के पास, जहाँ पे उसको रॉक्सी मिलती है। मर्लिन उस डिवाइस पे स्टडी करते हैं और वो बोलते हैं कि एक तरीके का डिवाइस है जिससे कि सारी खबर मिलती रहती है वैलेंटाइन को। वहीं वो पता चलता है कि अब सारे लोग जा रहे हैं वैलेंटाइन के उस फंक्शन में, जहाँ का इन्विटेशन दिलवा देता है मर्लिन एग्जी को भी। एग्जी वहाँ पर जाता है, लेकिन उससे पहले वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उनमें से एक सैटेलाइट को भी मार गिराएंगे जिससे वो अपने प्लान को सफल करने वाला है। इसके लिए वो रॉक्सी का चयन करता है और रॉक्सी से कहता है कि तुम पैराशूट से वहाँ ऊपर जाओगी और एयर बलून के फटने से पहले तुम्हें एक बॉम्ब को प्लांट करना होगा उस सैटेलाइट के ऊपर, जिसके बाद वो फट जाएगी और उसका प्लान कम से कम एक घंटे के लिए रुक जाएगा, जहाँ पे हम अपने प्लान को सफल कर सकेंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं और फ्लाइट से आगे बढ़ते हैं। रॉक्सी एयर बलून में बैठती है और वो ऊपर निकल पड़ती है सैटेलाइट को फोड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर अपनी फ्लाइट से पहुंच जाता है मर्लिन और एग्जी उस जगह पे जहां पे वैलेंटाइन ने सबको बुलाया होता है। उसने वहां पे उन लोगों को बुलाया होता है जो कि असल में बचने वाले होते हैं। जिन लोगों ने उसका विरोध किया होता है उन लोगों को उसने किडनैप कर लिया होता है। वहां पे वो सब जश्न मना रहे होते हैं और उसके पास वो डिवाइस भी होता है जिसपे हाथ रखने के बाद वो सैटेलाइट चालू हो जाएगी और सब लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। एग्जी जाकर के उस जगह पे बैठ जाता है जहाँ वैलेंटाइन ने वो पार्टी रखी होती है। तभी वहाँ पे चार्ली आ जाता है। चार्ली भी अब असल में
वैलेंटाइन के लिए काम कर रहा होता है। वो चिल्ला के कहता है मिल गया बैरूपिया, मिल गया बैरूपिया, जिसके बाद सब लोग एक्जी के ऊपर गन तान देते हैं। एक्जी वहाँ से गोली मार के भाग जाता है चार्ली को और वो गन चलाते हुए चारों तरफ से वहाँ से निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मर्लिन भी गेट खोल देता है फ्लाइट का और अंदर आ जाता है एक्जी फ्लाइट के। वहाँ पे अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी ने सैटेलाइट को गिरा दिया है और वो अब नीचे आ चुकी है। वहीं दूसरी ओर मर्लिन बताता है एक्जी को कि तुम्हारे पास अब थोड़ा ही सा समय है, तुम्हें जा करके उस सैटेलाइट सिस्टम को फोड़ना है क्योंकि वो अब दूसरे से बात कर रहा है और उसकी सैटेलाइट को अपनी सैटेलाइट की जगह ला रहा है, जिसके बाद वो उससे रेडिएशन को चालू करके सब लोगों को मरवा सकता है। तो तुम्हें वहाँ पर जा करके उस मशीन को फोड़ना होगा। यही प्लान बनता है और एक्जी वहाँ से निकल जाता है। तभी मर्लिन देख लेता है कि खूब बड़ी फौज जा रही है एक्जी की तरफ। एक्जी एक जेल की तरफ फंस जाता है जहाँ दोनों तरफ से गोलियाँ चलती हैं, लेकिन वो कह देता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी मदर से कह देना कि वो मेरी बहन को बचा ले। और वहाँ उसकी माँ को फ़ोन कर देती है रॉक्सी और उससे कहती है कि अपनी बच्ची को बाथरूम के अंदर बंद कर दो और लॉक लगा के चाबी अंदर फेंक दो क्योंकि थोड़े देर बाद तुम कंट्रोल के बाहर हो जाओगी। उसकी मदर ऐसा ही करती है। वहीं हम देखते हैं कि वैलेंटाइन अपने डिवाइस को ऑन कर देता है। तभी मर्लिन उस डिवाइस को हैक कर लेता है जो कि उन लोगों के कान में लगा होता है और वो उसको ऑन कर देता है, जिसके बाद वो जिस जिस आदमी के डिवाइस लगा होता है उन सबका हेड पॉप आउट हो जाता है और वो सबकी मौत हो जाती है। और उनमें वो सोल्जर भी होते हैं जो एक्जी को घेरे होते हैं। एक्जी वहाँ से आगे बढ़ता है, उसको वहाँ पे स्वीडन की क्वीन मिलती है। वो उससे कहता है कि मैं मिशन को सक्सेसफुल करके आऊँगा, उसके बाद हम लोग एक डे पूरा बिताएंगे साथ में, जिस बात पे वो हामी भर देती है। वो आगे बढ़ती है जहाँ पे उसको मिलता है वैलेंटाइन, लेकिन उससे लड़ने आ जाती है गजेल। गजेल और एक्जी की खूब देर लड़ाई होती है जिसमें वो अपने बूट के ब्लेड का इस्तेमाल करके गजेल के हाथ में एक कट मार देता है और गजेल की जहर चढ़ने की वजह से मौत हो जाती है। वो आगे जाता है और वो एक भाला फेंक के मारता है वैलेंटाइन के, वैलेंटाइन की वहाँ पर मौत हो जाती है, जिसके बाद वो उस मशीन को बंद कर देता है और लोग आपस में एक दूसरे को मारना बंद कर देते हैं। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि एक्जी की मदर ने उस बाथरूम के दरवाजे को ऑलमोस्ट तोड़ दिया था और वो अपनी छोटी बेटी को लगभग मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं क्योंकि मशीन बंद हो गई होती है। वो वैलेंटाइन के पास जाता है, वैलेंटाइन उससे कहता है कि तुम सफल हुए, मैं हार गया, और वैलेंटाइन की वहाँ पर मौत हो जाती है। वो आगे बढ़ता है, वहाँ पर उसको स्वीडन की क्वीन मिलती है और उसके साथ पूरी रात बिताता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।